खबर बुरहानपुर से है, जहां इंस्टाग्राम पर पोस्ट द्वारा धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में युवक को गिरफ्तार किया गया। जानकारी के अनुसार गांधी चौक के निवासी सैयद रफीक ने थाना कोतवाली में देवराज ठाकुर के नाम के युवक द्वारा अपने इंस्टाग्राम आईडी पर आपत्तिजनक पोस्ट डालकर धार्मिक भावनाएं आहत करने के संबंधी शिकायत की थी, जहां शिकायत की जांच के बाद कोतवाली पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध के मामले दर्ज कर इंदौर से 6 घंटे के भीतर आरोपी 20 वर्षीय देवराज ठाकुर पिता योगेश ठाकुर निवासी लालबाग जो कि इंदौर में रह रहा था उसे गिरफ्तार कर लिया। बुरहानपुर पुलिस पुनः शहर वासियों से अपने सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल ना करने की अपील की है। वहीं पुलिस की स्पेशल साइबर टीम सभी सोशल मीडिया ग्रुप्स को लगातार निगरानी कर रही है। प्रशासन ने चेताया है कि अगर कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक गलत या भ्रामक पोस्ट डालकर या फॉरवर्ड करके शहर की शांति भंग करने का प्रयास करते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जा सकती है। मामले में जामा मस्जिद बुरहानपुर शाही जामा मस्जिद के पेश इमाम सैयद मुल्ला बुखारी ने अमन व भाईचारे के साथ शांति बनाए रखने की अपील की और शांति भंग करने वालों पर पुलिस ने सख्त कार्रवाई करने की मांग की। विराट 24 के लिए बुरहानपुर से हेमराज रघुवंशी की रिपोर्ट। देखिए ये जो कल की घटना है बहुत अफसोसनाक घटना है, बहुत बड़ा हादसा है, ये कोई छोटा हादसा नहीं है, ये बहुत बड़ा हादसा है। इसको कोई भी हल्के में ना ले, हमारे दिल बहुत दुख रहे हैं इस हादसे के ऊपर। हम चाहते हैं कि जो लोग कार्रवाई करना है जिन लोगों को वो सख्त तरीन कार्रवाई करें। अभी हमारे को ये इत्तला मिली है कि उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन आगे के लिए भी जो उसके साथ में कार्रवाई हो सकती है वो कार्रवाई करें। और इसी के साथ साथ मैं तमाम लोगों से दरख्वास्त करता हूं कि वो अमन और सुकून के साथ में रहे और तमाम ही लोग भाईचारगी पे को कायम रखें और अमन और सुकून के साथ में रहें। बस